नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल दौहद पहुंचे हनुमान जी बेनीवाल के बारे में। हनुमान जी बेनीवाल कल अमर शहीद रामदेव सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और वो शाम को हालांकि लेट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्षमा याचना करी और कुछ राजनीतिक बातें भी उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ उनका कोई साठगांठ नहीं है, ना ही किसी पार्टी के साथ उनकी कोई सेटिंग चल रही है। वो अकेले लड़ रहे हैं और आरएलपी आने वाले दिनों में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि वो केंद्र में मोदी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रदेश में गहलोत सरकार के साथ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की तरह जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में उन्होंने जीत हासिल करी है, उसी तरीके का मिरेकल, उसी तरीके का जादू इस बार आरएलपी प्रचंड बहुमत के साथ और जनता के सहयोग से वो राजस्थान में भी दिखाएगी। सर, दूसरे आंदोलनों में क्रांतियां हुई देश के अंदर, उन सब में शेखावाटी के वीरों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने साधक देखे, भारत माता की रक्षा करी और हमें इस बात की खुशी कि मैं भी उसी जगह से आता हूँ जहाँ भी बहुत लोगों ने साधक देखे, मारवाड़ से शेखावाटी से भारत माता की रक्षा करी। क्योंकि आप पॉलिटिकल मामला आज यहाँ पे नहीं था, लेकिन आपने राजनीतिक बात छेड़ दी तो मैं बता दूं कि मैं कोई राजनीतिक कंजूसी नहीं कर रहा हूं। मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमाम जिला अध्यक्ष बने हुए, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। कोरोना काल के अंदर हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इतने बड़े आंदोलन आज भी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन तमाम जगह जहां विपक्षी भूमिका निभाने की आवश्यकता पड़ी, जब देश में किसानों का आंदोलन चला, सत्ता छोड़ गए, अगर देश का कोई सांसद सड़क पर लड़ा तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर लड़ा, किसानों को बिल वापस कराए। राजस्थान ने तमाम देश के अंदर इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी और स्टेट के अंदर भी तीनों विधायक, जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेते हैं तो आरएलपी के तीनों विधायक इस व्यवस्था के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। सड़क पे भी आरएलपी पार्टी लड़ रही, बहुत बड़ा आंदोलन का इलाज हम जोधपुर की धरती से करेंगे। संपूर्ण कर्ज माफी, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकायुक्त, इनको लेकर हम करेंगे और इस बार आज लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत से लड़ाई लड़ेगी। हमें इस बात की खुशी है कि पहले किसान के बेटे ने नई पार्टी भी बनाई, इस दल को पहली बार 52 से लेकर आज तक किसी दल को मान्यता नहीं मिली, राज्य स्तरीय पार्टी का इसको दर्जा भी मिला, 5 प्रधान और नगर पालिका के चेयरमैन बना और आरएलपी का नौजवान अपने आप हनुमान बेनीवाल आरएलपी का खुद ध्यान रख रहे, अपने आप ही सारी व्यवस्था खुद बच्चे करें, पूरी ताकत के साथ में लगा हुआ हूं। जी, विधानसभा चुनाव राजस्थान में नजदीक है, ऐसे में सवाल कयास ये लगाए जा रहे हैं और ये कयास ही नहीं प्रबल कयास है कि तीसरे मोर्चे की ओर जनता देख रही है, ऐसे में तीसरे मोर्चे की अगुवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आरएलपी अगुवाई करेगी तीसरे मोर्चे को लेकर? अभी तो तीसरा मोर्चा आरएलपी तो वही करेगी, अगुवाई और कौन करेगा? सबसे बड़ी विधानसभा के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान में किसान के बेटों का ऊर्जा जोश, किसानों का आशीर्वाद से पहली बार पार्टी बनी। सीकर में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सब जगह हम चुनाव नहीं लड़ा पाए, पार्टी बनाने के तुरंत बाद हम चुनाव आ गए। हमारा मकसद ये था कि किसानों का कर्जा माफ, फ्री बिजली, इसको लेकर मां बड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद पार्टी का गठन किया था। अभी तो आरएलपी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी तो है ही राजस्थान की, जो हमेशा विपक्षी भूमिका निभा रही है। मैंने आपको बताया बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेती है तो हर आदमी की उम्मीद आरएलपी है और देश में भी 24 बीजेपी के साथ जब प्रधानमंत्री के पक्ष में हाथ खड़ा करते हैं तो विपक्ष में एक ही मात्र आदमी कहता है हनुमान बेनीवाल कांग्रेस का नहीं है, उनकी खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं और प्रदेश में गहलोत से लड़ रहा हूं। आरएलपी का हर नौजवान इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई लड़ रही है और शेखावाटी से इसका आगाज होगा। इस बार देश में जातिगत जनगणना को लेकर भी बात की जा रही है, आपका क्या स्टैंड है जातिगत जनगणना को लेकर और उसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व को? हम तो चाहते जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी का बहुत बड़ा परसेंटेज देश के अंदर है, तो जो ओबीसी का आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए देश के अंदर। और तमाम हमने ये भी कहा कि आर्थिक आधार पर अगर गरीब व्यक्ति उगते हैं, ब्राह्मण का बेटा उसकी बढ़िया को, उसको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात की बेरोकारी हमने करी, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। और तमाम जहां जहां आंदोलन हुए, चाहे हरियाणा के अंदर ज्यादा आरक्षण आंदोलन, जाटों ने साधक थी, गुजरों ने राजस्थान के अंदर थी, मराठों ने महाराष्ट्र में, पटेलों ने गुजरात के अंदर, लिंगायत जो कर्नाटक के अंदर लड़े, इन तमाम जातियों का चाहे आंध्रा के अंदर जो भी आंदोलन हुए, सरकार को इन सब जो जहां आंदोलन हुए इन सब जातियों का सामंजस्य करके नए बिल सरकार रोज ला रही है। आरक्षण से किसी को भी वंचित नहीं करना, तमाम तबकों को आरक्षण मिलना चाहिए। अंतिम
आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। राजस्थान का हर नौजवान, हर तबके का नौजवान, किसान, मजदूर, दलित आरजेडी पार्टी के साथ है और ये खुद राजस्थान को बचाने के लिए तीन डांग से लड़ेंगे और तमाम सीटों पर आरजेडी पार्टी लड़ेगी। मेवाड़ के अंदर आपने मेरा प्रदर्शन देखा होगा, कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी और बहुत मजबूती से राजस्थान। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में अपने बहुमूल्य विचार के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि टाइम टू टाइम जैसे ही आपके आसपास में कोई खबर होती है तो आपको मिलती रहे। मिलेंगे, जल्द मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त।